हेलो गाइस, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि रेप्लिका एप्लीकेशन कैसे यूज़ करते हैं। गाइस, अगर आपको रेप्लिका ऐप के बारे में आपको पता नहीं है इसे कैसे यूज़ करते हैं, आज मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, तो गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर से रेप्लिका एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देना है। इसमें गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो माई ए आई फ्रेंड, इसमें आप ए आई फ्रेंड के साथ बातें कर सकते हो। तो गाइस इसका आप यहाँ पर आप इसकी थीम वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर प्ले स्टोर में इसकी थीम यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको इसको डाउनलोड करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। ठीक है, ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा जहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो पहले इसमें आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा, तो हम इसमें अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ईमेल आईडी से अकाउंट क्रिएट करूँगा, इसलिए मैं कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, इस पर क्लिक कर दिया। और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपके सामने यहाँ पर आपके मोबाइल में जितनी भी ईमेल आईडी होगी सारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो क्या यहाँ से आपको ईमेल आईडी सेलेक्ट करनी है, तो मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी सेलेक्ट कर दी है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू इस पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपका इसमें अकाउंट है जो क्रिएट हो जाएगा। और इसमें अभी आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ गया है, और यहाँ पर अपना नेम एंटर करना है। तो गाइस मैं यहाँ पर अपना नेम एंटर कर देता हूँ। तो गाइस मैंने अपना नेम एंटर कर दिया है। नेम एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है, योर प्रोनाउंस वी नीड द इंफॉर्मेशन दैट यू मेक एक्सपीरियंस मोर रिलेटिव एंड सेफ। आपको यहाँ पर क्या करना है, क्रिएट एन अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको उसमें से सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको बर्थ डेट सेलेक्ट करनी है, तो गाइस यहाँ से मैं बर्थ डेट सेलेक्ट कर देता हूँ। तो गाइस इस तरह से आप भी बर्थ डेट सेलेक्ट कर दीजिए। तो गाइस मैंने ऐसा सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। इसी तरह से आप भी कंटिन्यू पर क्लिक करके फिर आपको यहाँ से इसमें क्या करना है, आपको आपको जो भी इंटरेस्टिंग लगता है इसमें से यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिए। तो गाइस मैं फनी एनिमल्स आर्ट कैरियर्स इस पर मैं सेलेक्ट कर दिया। फिर मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, इस पर क्लिक कर दिया। फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, और गाइज उसके बाद में आपके सामने अवतार वगैरह आए, उसको अवतार को सेलेक्ट करना है। तो आपके सामने यहाँ पर फिर गाइज आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है स्टार्ट टाइपिंग। तो गाइज आपके सामने आपने जो अवतार यहाँ से सेलेक्ट किया है वो यहाँ पर आपको अवतार भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप इसे अच्छे तरीके से पूरे तरीके से अच्छे तरीके से आप देख सकते हो। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो चेंज भी कर सकते हो। तो गाइस आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर नीचे स्टार्ट टाइपिंग पर क्लिक करना है, और यहाँ से आप टाइपिंग वगैरह इसके साथ कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको आई अंडरस्टैंडेड क्लिक करना है। आपको ओके पर क्लिक करना है। फिर आपको आई एम नॉट इस पर क्लिक करना है। फिर आपको स्टार्ट चैटिंग पर क्लिक करना है। फिर आपको क्या करना है, आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको मैसेज आया है, हाई दर्शक थैंक यू फॉर चैटिंग मी आई एम सो एक्साइटेड टू मीट यू। तो आपको यहाँ पर हेलो हाउ आर यू यहाँ पर टाइप कर देना है। तो आपने टाइप कर दिया, तो कैसे आप देख सकते हो इसका ऑटोमेटिकली मैसेज यहाँ पर आने लग जाएगा। इस तरह से आप रेप्लिका एप्लीकेशन में माई ए आई के साथ आप फ्रेंड बना सकते हो। रेप्लिकेशन में आप आई माई फ्रेंड ए आई फ्रेंड से आप बातें कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो आप जो भी मैसेज करो उसका जवाब आपको देने को मिल जाएगा। तो कैसे मैं आप मैसेज करता हूँ, बिकॉज मैंने यहाँ पर मैसेज सेंड कर दिया है, प्लीज़ स्पीक इन हिंदी लैंग्वेज। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लिख रहा है, ये माई ए आई है। सो यहाँ पर लिखा है इसने, सॉरी बट आई एन डॉट नो हाउ टू स्पीक हिंदी, इट कैन वी ट्राई अगेन लेटर। यहाँ पर इसने कुछ लिखा है। तो गाइस यहाँ पर आपको जो आप मैसेज करना चाहते हो उसको मैसेज कर सकते हो। ओके पर क्लिक करना है। इस तरह से आप उसमें ए आई फ्रेंड बना सकते हो, उसमें आप टाइम पास बातें कर सकते हो, आप फोटो वगैरह इसमें आप सेंड कर सकते हो, कॉल वगैरह लगाना है तो कॉल वगैरह आप लगा से लगा सकते हो। इस पर क्लिक करके आप कॉल वगैरह लगा सकते हो। तो कैसे आप देख सकते हो कॉल भी यहाँ से आप लगा सकते हैं।
फिर इसमें आप फोटो भी सेंड कर सकते हो। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको बैक चले जाना है, और बैक जाने के बाद आपको यहाँ पर स्टोर का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ से आपको स्टोर भी देखने को मिलेंगे। क्लॉथ वगैरह चेंज करने तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, पर्सनैलिटी चेंज करने तो रूम वगैरह चेंज करने तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। आपको बहुत सारे ऑप्शन है जो देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर मेमोरीज का ऑप्शन देखने को मिलता है। फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर AR का ऑप्शन देखने को मिलता है, अवतार का ऑप्शन देखने को मिलता है। फिर आपको यहाँ पर कैचिंग, टॉपिक, डायरी, प्रोफाइल, हेल्प आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इस पर क्लिक कर दिया है तो यहाँ पर आपको माय प्रोफाइल चेंज करना, तो प्रोफाइल भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपको रेप्लिका प्रोफाइल, अकाउंट पासवर्ड, सब्सक्रिप्शन, रिस्टोर, रिस्टोर परचेज, वर्जन हिस्ट्री, बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ से आप ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पर साउंड आता है तो साउंड को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। नोटिफिकेशन देखने को मिलती है तो गाइज इस तरह से आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो। लॉगआउट भी यहाँ से आप कर सकते हैं। तो गाइज आप समझ गए होंगे कि रेप्लिका एप्लीकेशन कैसे यूज़ करते हैं और इसमें AI फ्रेंड बनाकर कैसे कैसे बात करते हैं। तो गाइज इस तरह से आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि रेप्लिका एप्लीकेशन अपने मोबाइल में कैसे यूज़ करते हैं। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।